हे दोस्तों, स्वागत है आज की इस कमाल की वीडियो में आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप वोडाफोन का रिचार्ज करके 399 का कैशबैक कैसे पा सकते हैं, और वो भी 399 के रिचार्ज पे। तो इसका पूरा प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताऊंगा, और मैं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर प्लीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले जान पाएं कि क्या फीचर्स आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादा मैंने बहुत लॉन्ग नहीं किया है, बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाई है और एकदम सिंपल सा स्टेप लिया है मैंने। वो स्टेप आप फॉलो करेंगे, एकदम आसानी से रिचार्ज कर पाएंगे और आपको कूपन रिचार्ज कैशबैक मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे रिचार्ज करना है और उसमें आपको कैशबैक कैसे मिलेगा। तो चलिए शुरू। तो दोस्तों, अपने फ़ोन को ओपन करना और आपको माई वोडाफोन ऐप एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पे रिचार्ज नाउ पे आपको करना है क्लिक। तो जैसे रिचार्ज नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा और यहाँ पे 399 का कैशबैक आपको दिखाई देगा लिखा हुआ। और 399 का रिचार्ज करेंगे तो क्या क्या उसमें प्लान चल रहे हैं, कैसे क्या क्या है, वो आपको पूरा मिल जाएगा। तो उस पर आपको क्लिक करने के बाद बाय कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट जो है किसी भी मेथड से कर सकते हैं, पेटीएम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। मैंने जो लिया है वो ये एम पैसा वॉलेट लिया है, तो मैं एम पैसा वॉलेट से जो है पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पे पेमेंट मुझे करना है, सीधा सीधा एकदम सिंपल सा फंडा है। मैंने इसमें पूरा ज़्यादा घुमाया नहीं है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है कि मतलब सामने आपको करने में कोई तकलीफ आए। तो आपको सीधा उस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आप उसको जो है वो पेमेंट कर देनी है। तो पेमेंट करने का मेथड ये है कि आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो आप क्रेडिट कार्ड से करें, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या फिर अगर एम पैसा वॉलेट है तो उससे भी कर दीजिए। इससे करना काफ़ी बेटर है क्योंकि सामने से वोडाफोन और एम पैसा वॉलेट दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। और इसमें एक कंडीशन ये है कि आप जब रिचार्ज करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग कूपन मिलेगा, जैसे कि 50 रुपये का, 49 रुपये का, 49 रुपये का, ऐसे ऐसे करके 7 कूपन, 8 कूपन जो भी है वो मिलेगा। और अगले रिचार्ज के लिए आपको जो है ये काफ़ी बेटर होगा। जब आप अगला रिचार्ज करेंगे 399 का, तो आपको 49 रुपीज़ जो है वो माइनस करके आपको रिचार्ज करने होगा। तो यहाँ पे देखिए, उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, और पासवर्ड डालेंगे तो ओटीपी नीचे आएगा, ओटीपी डालना है आपको नीचे। और दोनों चीज़ें डालने के बाद आपको जो है यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे, ये अगले पेज पे हमको लेके जाएगा। तो यहाँ पे भी एक आपको मैं बात बता दूँ कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इसके लिए सॉरी चाहूँगा। और यहाँ पे जो है देखिए, 559 रुपये हमारे वॉलेट में है, प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ से माइनस हो जाएगा और हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो जैसे ही पेमेंट हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको वो कूपन दिखा दूंगा कि कूपन कैसे मिला है, क्या है, और अगले रिचार्ज पे ये कैसे क्या काम आएगा। तो ये चीज़ों पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट रिचार्ज के लिए ही ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आप 399 का रिचार्ज करेंगे आपको पूरा 399 कैशबैक मिल जाएगा। 399 तो मिल रहा है, लेकिन अगले रिचार्ज के लिए मिल रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि बहुत सारे लोग बता देते हैं ऐसे 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 उल्टे फुलटे, तो उसमें तकलीफ हो जाती है। प्रोसेसिंग चालू है दोस्तों, जैसे ही प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी पेमेंट हो जाएगा, और हमारा पेमेंट जो है ये सक्सेसफुली हो गया। देखो रिचार्ज सक्सेसफुली, और मोबाइल नंबर देखो, रिचार्ज नंबर इज़ ये सक्सेसफुली, ऑर्डर ये पूरा। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको कूपन देखने के मिल जाएगा कि 50 रुपये का 7 कूपन है और 49 रुपये का 1 कूपन है। तो 50-50 के 7 कूपन। और इसमें आपको एक बात करना, अगला रिचार्ज जब आप करेंगे तो यहाँ पे टिक लगाना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे आप टिक लगाएंगे तो ठीक मिल जाएगा आपको 50 रुपये, नहीं तो आपको माइनस आएगा, वो 399 ही कटेगा। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो में इतना ही था दोस्तों।